भाग नौ, समय, दुख, मृत्यु, ज्ञात से मुक्ति। एक अत्यंत अर्थपूर्ण कहानी के साथ मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। सत्य का महान खोजी एक सन्यासी हुआ करता था। एक दिन अचानक उसका सामना परमात्मा से हो गया तो वह पूछ बैठा, सत्य क्या है? कृपया इस संबंध में मुझे कुछ बताइए। अब बेचारा परमात्मा क्या करे, तो उसने एक युक्ति निकाली और कहा, भाई मेरे, आज बड़ी गर्मी है, इसलिए पहले मुझे प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाओ थोड़ा सा। वह सन्यासी पानी की खोज में निकला और रास्ते में जो पहला घर पड़ा उसके द्वार पर दस्तक दी। एक अत्यंत सुंदर स्त्री ने द्वार खोला। सन्यासी तत्काल उस स्त्री के प्रेम में पड़ गया। दोनों ने शादी कर ली और फिर उनके कई बच्चे हुए। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। कई दिन तक लगातार भीषण वर्षा होती रही और पानी थमने का नाम नहीं लेता था। नदी, तालाब, गली, कूचे सब पानी से भर गए। जब घर द्वार पानी में डूबने और बहने को हुआ तो उस सन्यासी गृहस्थ ने बच्चों को अपने कंधों पर लादकर पत्नी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन जब पानी की तेज धारा ने उन्हें बहा ले जाना चाहा तो वह चिल्लाया, हे प्रभु बचाओ। परमात्मा ने उपस्थित होकर पूछा, मैंने जो वह पानी का ग्लास मांगा था वह कहाँ है? यह एक अच्छी कहानी मानी जा सकती है क्योंकि यह बताती है कि हम जिस तरह समय की भाषा में ही सोचते हैं, मनुष्य समय के सहारे ही जिए चला जाता है और पलायन के समय एक प्रिय साधन के रूप में भविष्य का आविष्कार कर लेता है। हम सोचते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम में रूपांतरण आता जाएगा, हमारे भीतर थोड़ी थोड़ी व्यवस्था भी आती जाएगी और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। लेकिन व्यवस्था या शांति समय की देन नहीं है, अतः हमें क्रमिकता की भाषा में सोचना बंद कर देना चाहिए। शांत होने के लिए कल का कोई अस्तित्व नहीं है, शांत और व्यवस्थित केवल अभी हुआ जा सकता है, इसी क्षण। जब खतरा आपके सामने हो तो समय लुप्त हो जाता है, तब वहाँ क्रिया तत्काल होती है। लेकिन हम अपनी बहुत सारी समस्याओं के खतरे को नहीं देखते, इसलिए उन पर काबू पाने का एकमात्र साधन हम समय को बना लेते हैं। लेकिन समय सबसे बड़ा धोखेबाज है क्योंकि अपने भीतर रूपांतरण लाने में वह हमारी कोई सहायता नहीं करता। समय तो एक प्रवाह, एक गति है जिसे आदमी ने अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में विभाजित कर रखा है। जब तक वह इस विभाजन को कायम रखे हुए है तब तक वह संघर्ष और द्वंद्व में रहेगा। सीखने के लिए क्या समय की आवश्यकता है या यह समय की बात ही नहीं? क्या इन हजारों वर्षों में हम यह सीख पाए हैं कि एक दूसरे की हत्या और नफरत के बदले हम एक बेहतर ढंग से आपस में जी सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए हमारा जीवन इतना विकट और वाहियात है, अगर हमें इस जीवन का निदान और समाधान करना है तो समय की समस्या को समझना और हल करना अत्यंत आवश्यक है। हम मन के ताजापन और निर्दोषता की छानबीन पहले ही कर चुके हैं। हम यह ध्यान में रखें कि एक ताजा और निर्दोष मन ही समय को सही सही देख और समझ सकता है। अपनी समस्याओं की सही समझ नहीं होने के कारण हम इसकी भूल भलैया में भटक गए हैं। अब अगर कोई घने जंगलों में भटक गया हो तो वह पहला काम क्या करता है? पहले तो वह जहां का तहां रुक जाता है, क्या ऐसा नहीं है? फिर वह अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखता है। लेकिन आप जीवन में जितना ही उलझ और भटक जाते हैं उतना ही आपकी भागदौड़ भी बढ़ जाती है और आप बदहवास होकर चारों ओर खोजने लगते हैं, दूसरे भटके हुए लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि सबसे आवश्यक चीज यह है कि हम आंतरिक रूप से अर्थात अपने भीतर एकदम ठहर जाएं, बिल्कुल रुक जाएं। जब आप आंतरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से ठहर जाते हैं तो आपका मन पूर्णतः शांत और स्वच्छ हो जाता है। तभी वस्तुतः आप स्वयं की इस समस्या को सही सही देख सकते हैं। समय के इस आयाम में ही सारी समस्याओं की जड़ें फैली हैं, अर्थात हमारा किसी प्रश्न का सामना अधूरे रूप से करना। प्रश्न के साथ हमारा यह अधूरा संपर्क ही समस्याओं को पैदा करता है। जब
हम किसी चुनौती का खंड खंड सामना करते हैं केवल आंशिक रूप से, या जब हम इससे पलायन कर जाने का प्रयास करते हैं, अर्थात जब हम पूरे ध्यान से उस चुनौती का सामना नहीं करते तो हम समस्या उत्पन्न कर लेते हैं। यह समस्या तब तक कायम रहती है जब तक इस ओर हमारा ध्यान और होश अधूरा होता है, जब तक इसका हल हम आज या कल पर टालते चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? घड़ी का समय नहीं, ना कि वह समय जिसका बोध कैलेंडर और पंचांग से होता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय, यह सोचने और करने के बीच की दूरी है, अर्थात यह विचार और क्रिया के बीच का अंतराल है। स्पष्टतः विचार का आधार आत्मरक्षा है, अर्थात सुरक्षित और सही सलामत बने रहने का भाव। क्रिया का अर्थ है जो तत्क्षण हो, अतीत और भविष्य के बिना बंधे हुए। क्रिया केवल वर्तमान में ही हो सकती है। यह कैसी होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, यह बिल्कुल अज्ञात और अनिश्चित है, इसलिए यह हमें खतरनाक मालूम पड़ती है। वस्तुतः क्रिया को छोड़कर हमने एक विचार को पकड़ लिया है और हमें लगता है कि इसी में हमारी हिफाजत और भलाई है। यह सब आप अपने भीतर देखें, क्या ठीक है और क्या गलत, इसकी एक धारणा आपके पास है। समाज के बारे में और अपने बारे में भी आपने एक सैद्धांतिक धारणा बना रखी है। इन्हीं धारणाओं के अनुसार आपके सारे कार्य होते हैं, इसलिए आपकी क्रिया आपकी धारणा के सदृश होना चाहेगी या अधिक से अधिक उसके निकट पहुंचना चाहेगी। यहाँ संघर्ष अवश्य संभावी है। इस तरह पहले धारणा है, फिर एक अंतराल है, अंत में क्रिया है। इसी अंतराल में समय का पूरा विस्तार है और यह अंतराल अनिवार्य रूप से विचार है। जब आप सोचते हैं कि कल आप सुखी और आनंदित होंगे तो वहां आपने अपनी एक प्रतिमा निर्मित कर ली और यह आशा भी कि कुछ समय बाद एक निश्चित फल की प्राप्ति होगी। विचार सरणी के रूप के पूरे क्रम को इस तरह समझा जा सकता है। विचार पहले किसी चीज को देखता है, फिर उसे पाने की इच्छा करता है। इस इच्छा को बहुत सारे विचारों से सातत्य और शक्ति मिलती है और अंत में वह विचार कहता है, कल मैं सुखी और आनंदित होऊंगा, कल मुझे सफलता मिलेगी, कल यह दुनिया एक सुंदर सी जगह होगी। इस तरह विचार एक अंतराल पैदा करता है और यही अंतराल समय है। अब हमें यह पूछना है, क्या हम समय को एक विराम, एक ठहराव दे सकते हैं? क्या हम इतनी समग्रता से जी सकते हैं कि विचार को बीते हुए या आने वाले कल के बारे में सोचने का अवसर ही ना मिले? क्योंकि समय ही तो दुख है। आपने कल या हजारों कल पहले किसी से प्रेम किया था और वह आपका प्रेमी या आपकी प्रियसी अब नहीं रहे, लेकिन उसकी स्मृति अभी तक बनी हुई है। आप उसके साथ बिताए हुए दर्द और सुख के क्षणों को याद कर रहे हैं, आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं, बची कुची अपनी आशाओं और इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं और रह रहकर आप खेल और पश्चाताप से भर उठते हैं। इस तरह विचार बार बार पीछे अतीत की ओर लौटकर दुख को जन्म दे रहा है और समय को सातत्य दे रहा है। जब तक विचार द्वारा उत्पन्न समय की यह दूरी अर्थात समय का अंतराल है, तब तक दुख रहेगा, तब तक भय कायम रहेगा। इसलिए व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए, क्या समय के इस अंतराल का कभी अंत हो सकता है? अगर आप पूछते हैं इसका अंत हो जाएगा ना, तो अधिक संभावना यही है कि आप पहले ही एक धारणा बना चुके हों और इसलिए अब आप सफलता और उपलब्धि की भाषा में सोच रहे हैं। इस प्रकार आपने अंतराल निर्मित कर लिया और समय के दुष्चक्र में आप एक बार फिर फंस गए। अब हम मृत्यु के प्रश्न को लें। अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु एक विकराल समस्या बनी हुई है। मृत्यु तो आप जानते ही हैं, यह हर रोज आपके संग साथ चल रही है। क्या आप इसका साक्षात और सामना इतनी समग्रता से कर सकते हैं कि आप इसे एक समस्या का रूप ना दे पाएं?
इस प्रकार से इसका साक्षात और सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि इसके बारे में आपने जो आशा, विश्वास और भय पाल रखे हैं, उन सबों का अंत हो जाए। आप इस असाधारण चीज का सामना एक निष्कर्ष, एक प्रतिमा, एक पूर्व कल्पित चिंता के साथ करते रहे हैं, जिसका अर्थ हुआ आपके और मृत्यु के बीच समय का एक पर्दा पड़ा रह गया है। आप उसका सीधा और प्रत्यक्ष सामना नहीं कर रहे हैं। समय दृष्टा और दृश्य के बीच की दूरी है। इसको इस प्रकार समझें, दृष्टा यानी आप उस चीज का सामना करने से डरते हैं जिसे आप मृत्यु कहते हैं। मृत्यु है क्या चीज, यह आपको पता नहीं। आपने इस संबंध में केवल आशाएं और हर प्रकार के सिद्धांत इकट्ठे कर रखे हैं। आप पुनर्जन्म या पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं या आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जो देश और काल से परे एक आध्यात्मिक सत्ता मानी जाती है। अब प्रश्न यह है कि क्या आपने स्वयं यह खोज की है कि आत्मा जैसी कोई चीज है भी या नहीं, अथवा यह केवल एक विश्वास या धारणा मात्र है जो कई पीढ़ियों से होती हुई आपके पास पहुंच गई है। क्या विचार से परे किसी स्थायी और निरंतर सत्ता का कोई अस्तित्व है? अगर विचार इसके बारे में सोच सकता है, तो इसका अर्थ है कि यह विचार के जगत की ही कोई चीज है और इसलिए यह स्थायी नहीं हो सकती। विचार के जगत और सीमाओं के भीतर कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ भी स्थायी नहीं है, यह बोधपूर्वक जानना एक असाधारण महत्व की घटना है। तब मन मुक्त हो जाता है। तब आप देख सकते हैं। उस देखने में असीम और अपूर्व आनंद है। आप अज्ञात से भयभीत नहीं हो सकते। अज्ञात को तो आपको उसका कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उसका उससे भय कैसा। मृत्यु एक शब्द है। यह शब्द और इससे बनी मृत्यु की प्रतिमा ही भय पैदा करती है। अपने मन से मृत्यु की प्रतिमा को हटाकर क्या आप मृत्यु को देख समझ सकते हैं? क्योंकि जब तक मृत्यु की प्रतिमा है और उससे जन्म लेता विचार है, तब तक इसके कारण भय बना ही रहेगा। तब प्राय या तो आप मृत्यु के भय को तर्कसम्मत बना लेते हैं और इस अटल एवं अवश्यंभावी सत्य से विरुद्ध प्रतिरोध खड़ा कर लेते हैं, या आप मृत्यु के भय से बचने के लिए असंख्य विश्वासों को गढ़ लेते हैं। इस तरह आपके भीतर और आप जिससे भयभीत हैं, उस चीज के बीच एक दूरी, एक अंतर पैदा हो जाता है। देश और काल अर्थात स्थान और समय के इन अंतरालों में संघर्ष की उपस्थिति निश्चित है, जिसका अर्थ है भय, चिंता और आत्मनिंदा। विचार जो मृत्यु के भय का कारण है कहता है, हम मृत्यु को अधिक से अधिक समय तक रोकने का प्रयास करें, इसको टाल दें, इससे बचकर रहें, जहां तक संभव हो इसे अपने से दूर ही रखें, इसके बारे में सोचे तक नहीं। लेकिन तब भी तो आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, तो आप पहले ही सोच चुके होते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। आप मृत्यु से भयभीत हैं क्योंकि आपने इसे स्थगित कर रखा है। हमने जीवन को मृत्यु से अलग कर रखा है। जीने और मरने के बीच का यह अंतराल ही भय है। यह अंतराल अर्थात समय भय से बनता है। जिसे हम जीना कहते हैं, वह हमारा प्रतिदिन का दुख, यातना, अपमान एवं उलझन है, और इसमें शायद ही कभी क्षण भर के लिए उस आनंद के सागर की ओर कोई खिड़की, कोई झरोखा खुलता है। इसे ही हमने जीना मान लिया है। हम मरने से डरते हैं, जो वस्तुतः इस दुर्दशा और दुर्गति का अंत है। अज्ञात का सामना करने से हम कहीं अच्छा समझते हैं ज्ञात से चिपके रहना। ज्ञात अर्थात हमारा घर, हमारा फर्नीचर और सामान, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा पेशा, हमारा ज्ञान, हमारा चरित्र, हमारा नाम, हमारा यश, हमारे देवी देवता, हमारा अकेलापन, यानी सीमित ढांचे वाली
कटुता से भरी वह छोटी सी दुनिया जिसके भीतर हम सारा जीवन एक कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटते रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो हमें केवल जीना है और मरना तो एकदम सुदूर भविष्य की बात है, लेकिन हमने इस पर कभी शंका और संदेह नहीं किया है कि प्रतिदिन का यह संघर्ष भरा जीवन जीना भी कोई जीना है। हमारी उत्सुकता तो केवल इस बात में है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, आत्मा अमर है इसका प्रमाण कैसे जुटाया जाए। चमत्कारों और सिद्धियों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति की ही हमें तलाश रहती है। अगर कोई यहीं बैठे बैठे बहुत दूर की घटनाओं को जान लेने का दावा करे तो हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन हम यह कभी नहीं पूछते, कभी भी नहीं, कि हम कैसे जिए, प्रतिदिन आनंद और उल्लास के साथ एवं सौंदर्य से भरकर कैसे जिए। अपने सभी दुख और निराशा समेत यह जीवन जैसा है उसे हमने स्वीकार कर लिया है, हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं और मृत्यु को हम एक ऐसी अप्रिय चीज मानते हैं जिसे हर हालत में अपने से दूर ही रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम जीना सीख लें तो हम पाएंगे कि मृत्यु और जीवन में अद्भुत समानता है। आप बिना मरते हुए जी नहीं सकते। अगर आप हर पल हर मिनट मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं मरते हैं तो आपका जीना कोई जीना नहीं है या कोई बौद्धिक विरोधाभास नहीं है। इतनी पूर्णता और समग्रता से जीना कि हर दिन मानो एक नए सौंदर्य का अनुभव हो, इसके लिए बीते हुए कल की हर चीज के प्रति मर जाना होगा, अन्यथा आप केवल यांत्रिक रूप से जीते रहेंगे। और एक यांत्रिक मन कभी नहीं जान सकता कि प्रेम क्या है, मुक्ति क्या है। हम में से अधिकांश लोग मरने से डरते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जीने का अर्थ क्या है। हम जीना नहीं जानते, इसलिए हम मरना भी नहीं जानते। जब तक हम जीवन से भयभीत हैं तब तक हम मृत्यु से भी भयभीत रहेंगे। जो व्यक्ति जीवन से भयभीत नहीं है वह पूर्णता असुरक्षित होने से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह आंतरिक रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह समझता है कि सुरक्षा तो है ही नहीं। जब कोई सुरक्षा नहीं होती तो एक अनंत विस्तार और फैलाव हो जाता है और तब जीवन और मृत्यु एक ही चीज है। जो व्यक्ति बिना संघर्ष के जीता है, जो सौंदर्य और प्रेम से भर कर जीता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है मर जाना। अगर आप हर ज्ञात चीज के प्रति आपका परिवार, आपकी स्मृति, अब तक के आपके अनुभव अर्थात आपके ज्ञान में जो कुछ है, अगर आप उसके प्रति मर जाएं तो मृत्यु आपको शुद्ध और निर्मल कर देती है। मानो यह कायाकल्प और पुनर्जीवन की एक प्रक्रिया हो, तब मृत्यु निष्कलुषता को जन्म देती है और केवल निष्कलुष व्यक्ति ही आवेग और ऊर्जा से भरा होता है, ना कि वह व्यक्ति जो किसी विश्वास को पकड़कर बैठा है या वह जो जानना चाहता है कि मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद क्या है यह जानने का वस्तुतः एक ही उपाय है और वह है आप मर जाएं। यह कोई मजाक नहीं है, आपको मरना ही चाहिए, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से, गहराई में अपने भीतर मरना उन चीज़ों के प्रति जिन्हें अब तक आपने अपने हृदय में संजोए रखा है और इन चीज़ों के प्रति भी जिनके प्रति आप कटुता से भरे हैं। अगर आप सहजता से बिना किसी जोर जबरदस्ती या दलील के अपने बड़े से बड़े या छोटे से छोटे सुखों में से किसी एक के प्रति भी मर जाएं तो आप जान जाएंगे कि मरने का अर्थ क्या है। मरने का अर्थ है मन का पूर्णता शून्य और खाली हो जाना, अपनी प्रतिदिन की आकांक्षाओं, सुखों और दुखों से खाली हो जाना। मृत्यु एक रूपांतरण, एक नवीनीकरण है। वहाँ विचार का अस्तित्व नहीं होता क्योंकि विचार पुराना है। जहाँ मृत्यु है वहीं कुछ नया जन्म लेता है। ज्ञात से मुक्ति ही मृत्यु है और तब आपका जीवन आरंभ होता है। धन्यवाद।